बंद हो गई है। उधर 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 वेटिंग टिकट बंद हो गई। सारे उधर फटाफट फटाफट सारे उधर चलो 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 उधर उधर बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। पढ़ने लिखने जा रहे हैं तो फिलहाल आज की हमारी ट्रेन जर्नी ट्रेन नंबर 15658 ब्रह्मपुत्र मेल में जो कि आसाम के कामाख्या से चलती है और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक हर दिन जाती है और टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2033 किलोमीटर की जर्नी तय करती है अपने 37 घंटे 40 मिनट में 42 स्टॉप के साथ। तो चलते हैं फटाफट प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। ब्रह्मपुत्र मेल यही है। कितने बजे आएगी है? 2:55 पे। हाँ, टाइमिंग की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि भैया जी ने बताया कामाख्या से चलती है दोपहर में 2:55 पे। ठीक अगले दिन फिर उसके अगले दिन सुबह उतार देती है हमें सुबह 4:35 पर देश की राजधानी के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ये जाती है हमारी वाया मालदा टाउन होते हुए और बाकी पटना मुगलसराय के रास्ते। सो भाई आज की हमारी यात्रा होने वाली है आपके 3rd AC इकोनॉमी क्लास में जो कि आपका M1 कोच है और सीट नंबर हमारी 78 जो कि आपकी साइड अप जो कि आपकी है अपर बर्थ। बाकी जय श्री कृष्णा। और दिखाते हैं आपको हमारी सीट। देखिए भाई ये हमारी सीट 78 जो कि हमारी अपर बर्थ। भाई ये रखिए हमारी अपर बर्थ। चद्दर कब मिलेगी अंकल जी? शाह लाल सिर पूछा है चद्दर आएगा देगा ना अभी। टाइम देख लो अगर 2:55 हो गए और इंतजार समय पे हमें ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है। ट्रेन भी भाई आगे बढ़ चुकी है। क्या हो गया? रो क्यों रहे आंटी? क्या हुआ? चले गया ना, खुशी खुशी भेजा करो। सो भाई निकल गए माँ कामाख्या रेलवे स्टेशन से। भाई एक बार आप जय माँ कामाख्या जरूर बोलना। और मैं आपको बता दूँ आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं ज़िंदगी में पहली बार 3rd AC इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रहा हूँ। रियल बता रहा हूँ जो कि इतना लंबा है ना अंकल जी। मैंने कभी सफ़र नहीं करा, वैसे करा तो होता पर इतना लंबा नहीं करा। बाकी बाकी बाय बाय माँ कामाख्या जरूर आएंगे फिर से। क्या कर रहे हो आंटी जी? क्या कर रहे हो? अच्छा भाई कामाख्या से निकलते के साथ ही हमारी ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली है। बाकी देखिए बैब 7 लोकोमोटिव किस तरीके से हमारी ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है। दे दी तकिया पिल्लो वगैरह दे दी हमारा क्या दो को भैया पिल्लो दे दी पिल्लो उस वाले को ऊपर दे दी ठीक है दो तो। एंड भाई ये हमने लिया है यहाँ पर वेज बिरयानी और यहाँ पर देखिए ऑनियन भी हमें दिया हुआ है। बाकी देखते हैं एक बार अपने बिरयानी को टेस्ट करके। गुब्बारा बताओ बताओ भाई ठीक है भाई। फोन बचा भाई 1.5 लाख रुपए का फोन चला जाता था। ठीक ठाक है भाई। हाँ ठीक है भाई बढ़िया है। बाकी बिरयानी मैं लेती हूँ 140 रुपए की कामाख्या रेलवे स्टेशन पर। दोपहर में ट्रेन चलती है, भूख बहुत तेज लग रही थी इसलिए। हमारे साथ आज यात्रा कर रहे हैं संजय का ब्लॉग जो कि संजय भाई हैं एंड मिस्टर विशाल। अभी इनका भाई फ़ोन चले जाता ब्रह्मपुत्र नदी से जब निकल लेते तो साफ सुथरे साफ सब साफ सुथरे। तौलिया भी दे देना भाई ठीक है।
तो भाई काफ़ी सवारी जो है यहाँ पर खड़ी हुई है हमारी ट्रेन के लिए। तो भाई 42 किलोमीटर जर्नी तय करने के बाद कामाख्या से हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के पहले स्टॉप पर, जो कि आपका पड़ता है रंगिया रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है RNY। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म और हमारी ट्रेन देखिए अभी तक बहुत ही ज़्यादा आगे जाए जा रही है भाई, अभी भी जाए जा रही है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म है और 92 ट्रेनों का यहाँ पर पूरे दिन में स्टॉप दिया गया है और 10 ट्रेन यहाँ से बंद करके चलती। जैसे देखिए भाई रंगिया से सिलचर जा रही है। फिलहाल हमारी ट्रेन का हॉर्न बज चुका है। कल 5 मिनट का स्टॉप देने के बाद हमारी ट्रेन जो है रंगिया जंक्शन से निकल चुकी है। और मैं आपको बता दूं रंगिया जंक्शन जो है 1909 में शुरुआत हुई थी इसकी भारतीय रेलवे में। और बाकी मैं आपको बता दूं एक दिन में यहाँ पर 40,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर हर दिन अप डाउन करते हैं। बाकी धूप जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। बाकी भाई बहुत ज़्यादा कड़क धूप हो रही है। चाचा बाय, मिलेंगे। कितनी धूल उड़ रही है यार, ये देख लो कितनी धूल उड़ रही है भाई, बहुत धूल उड़ रही है। सर नमस्ते जी। नमस्ते, ये तो बड़ी बेकार सुविधा है ट्रेन की। किस, क्या गड़बड़ी? देख ना पूरा सर्वे ऊपर नहीं उससे ही कर पा रहा मैं तो। ओल्ड बम का नारा है बाबा एक सहारा है, ओल्ड बम का नारा है बाबा एक सहारा है, ओल्ड बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोल 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 बम बोलो बम बोल 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 दूध वाली चाय, वही अंकल जी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बोल बम बाय बाय, बोल बम बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, इसे बोलते हैं भाई सच्ची भक्ति। बोलो बम बाय बाय अंकल जी, फिर आना चाय पिलाने। फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है न्यू बंगाई गांव रेलवे स्टेशन पर। सो फाइनली आ चुके हैं आसाम के न्यू बंगाई गांव रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है NBQ। यहां पर 7 प्लेटफॉर्म है और मैं आपको बता दूं यहां पर पूरे दिन में 142 ट्रेनों का यहां पर स्टॉप है और 5 ट्रेन यहां से बंद करके चलती है। और हमारी ट्रेन का मात्र यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। आ जाओ आ जाओ। न्यू बंगाई गांव है क्या? बंगाई गांव है। इंटरनली ज्यादा सोचने की आदत है भाई, सबको से मुझे यही बोलते हैं। सो भाई ये हालत है हमारे 3rd AC इकोनॉमी क्लास के कोच की। भाई देखिए काफ़ी लोग यात्रा कर रहे हैं जो अगले स्टेशन पर उतरने वाले हैं। बाकी अंदर देखो खाली पड़ा है सारे के सारे और बाहर हो रही है बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़। आ जाओ भाई, सारे खड़े रहेंगे यहाँ पे ना। टाइम देख लो एक बार, 8:24 हो रहे हैं
और हमने भाई 150 रुपीस की ये थाली मंगवाई है जो कि इन भैया से मिली है। इधर आओ इधर आओ, देखो भाई अबे आ जा यार, जो कि ये है भाई यहाँ पर मसूर की दाल के लिए हमने यहाँ पर आलू और पनीर और भाई पता नहीं क्या डाल रखा पनीर के जो दिख रहे हैं, 4-5 पीस ये डाल लगे 150 रुपये में बस। और ये सूखी सब्जी दे दी, ये मिठाई दे दिया, चावल अचार और ये दिए इन्होंने गर्मा गर्म 2 पराठे भाई, बस इतना आइटम दिया हमें 150 रुपये में। बाकी देखते हैं एक बार, टेस्ट करते हैं पनीर की सब्जी को, करते हैं एक बार इस पनीर की सब्जी को। खाना तो गर्म है बट नहीं मिल रहा भाई, टेस्टी भी है एंड ये दाल देखते हैं, वीडियो बना रहा है क्या? ये मसूर की दाल है, ये भी ठीक ठाक है भाई खाने लायक है। और ये आलू की देखते हैं भाई सब्जी जो खाना है ना वो खाने लायक है, खाना गर्म है, ये बेस्ट है कि खाना गर्म है और स्वाद भी है, मतलब 150 रुपये जो ले रहे हैं वो जायज़ ले रहे हैं कि खाना ठीक ठाक है, घर जैसे खाना है। भाई अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, सो जाते हैं थोड़ी देर क्योंकि रात में कुछ भी दिखाने को इतना है नहीं, जैसा कि मैंने आपको न्यू अलीपुर द्वार में दिखाया था। बाकी रेस्ट करते हैं और सुबह मिलते हैं, ठंड काफ़ी लग रही है रात के अंदर भाई, इसलिए दो कंबल ओढ़ के रेस्ट करते हैं एंड बाय गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। और हाँ जय श्री कृष्णा, पूरी वीडियो ज़रूर देखना ताकि मुझे हौसला मिलेगा और कल मैं इसमें ट्रेन के अंदर नहाऊंगा भी, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है एंड टाटा। सो वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है डे 2 में। अब देखते हैं बाहर कौन सा रेलवे स्टेशन आया है, चलते भाई लोग उतर रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम। सो वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है डे 2 में। तो फिलहाल मैं आ गया बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर, भाई बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आई, पिछले 12 दिनों से सफ़र कर रहा हूँ ट्रेन के अंदर एसी कोच में जा कर के, अब बहुत ज़्यादा आराम मिला। बाकी भाई देखिए ये लोग जो हैं ये सारे के सारे सुल्तानगंज से जल भरेंगे, फिर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे जो कि जाएंगे आपका देवगढ़। बाकी भाई देखिए वहाँ पर कितनी अच्छी इन्होंने तैयारी कर रखी है, बट इससे अच्छी तैयारी मैं आपको उधर दिखाता हूँ, देखते हैं। देखिए ये देखिए ये देखिए भाई ये है सुल्तानगंज, ये देखिए भाई क्या तैयारी कर रखी है पूरी की पूरी इस रेलवे स्टेशन पर, कांवड़ियों का लगा हुआ है पूरा मेला लगा हुआ है कांवड़ियों का, पता ही है। सारे जल भर करके अपनी कांवड़ को अपने कंधे पर रख करके, कांवड़ को नीचे भी नहीं रखते, ये पूरा जो है पैदल जाएंगे देवघर, और देवघर में जल चढ़ाएंगे, उसके बाद भोले बाबा के लिए अपना आशीर्वाद है। ये सब कांवड़ यात्रियों के लिए लगा रखी है। कितना मेला लगा हुआ है पूरा तगड़ा वाला भाई कांवड़ यात्रियों के लिए। चलिए थोड़ा फ्लैश वगैरह होते हैं, कॉल आउट वगैरह करते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। ट्री वाले जो है सुबह सुबह पता नहीं क्यों आपस में एक एक चाय के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ कि मैं बेचूंगा तू बेचेगा मैं बेचूंगा, दोनों का भाई आपस में लड़ रहे हैं, बट दोनों की चाय बिल्कुल खराब है। एंड सो भैया आ गए हमारे गर्मा गर्म
चाय देने आया भाई। देखो लेके लेके आए कुल्लड़ में चाय। ये देखिए भाई, ये आ गई कुल्लड़ में हमारी चाय। कहाँ से चढ़े थे आप? सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से अभयपुर तक ये भैया सफर करते हैं। इसी ट्रेन में? हर ट्रेन में ये दो तीन ट्रेन है, दो तीन ट्रेन है उसमें मिलेंगे आपको। तो मैं तो बोलूंगा आप भैया से चाय पी लेना, पेंट्री वालों से चाय मत पीना वैसे भाई, वो बिल्कुल अजीब सी चाय बनाना पानी वाली। और ये चाय बहुत क्या कहते हैं उनको, एसिडिटी वगैरह होती है, काफी अच्छी चाय है भाई। ये करिंदे छोटे छोटे, मुंगेर खगड़िया बेगूसराय जाने के लिए यहाँ से बदले। आठ सौ 66 किलोमीटर जर्नी तय करने के बाद हम आ गए बिहार के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड है JMP। बाकी देखे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है जमालपुर में मुंगेर जाने के लिए ट्रेन यहाँ पर बदली जाती है, और खगड़िया बेगूसराय के लिए भी यहाँ पर ट्रेन बदली जाती है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म है और 77 यानी 77 ट्रेनों का एक दिन में यहाँ पर स्टॉप दिया गया है, और 20 ट्रेन भाई यहाँ से बंद करके चलती है। बाकी भाई सुल्तानगंज जाओगे तो सुल्तानगंज से अगला बड़ा जो स्टेशन आपको पड़ेगा वो आपको पड़ेगा जमालपुर रेलवे स्टेशन। बाकी भाई ये पता नहीं क्या है बउआ, मूंग दाल का नहीं, मूंग दाल का क्या है, मूंग दाल का स्पेशल आलू चाट यहाँ पर खा सकते हैं ना जी। हाँ। बहुत ही ज्यादा आपको टेस्टी मिल जाएगा इस जमालपुर रेलवे स्टेशन में। सही है, खाने लगे ना भैया? देखो भैया खा रहे हैं। अच्छा चलो चलो चलो, चलो दिल्ली वालों, दिल्ली वालों। बाय बाय जमालपुर, जमालपुर जंक्शन। सुबह निकल गए जमालपुर रेलवे स्टेशन से। सुबह जो भी आपको खेत दिख रहे हैं ये सारे के सारे चावल की खेती है यहाँ पर, यहाँ पर चावल ज्यादा उगाया जाता है। हमने एसी के पैसे दिए थे आराम से जाने के लिए। ये देखो भाई सारे घुस गए, लोग घुस गए। उतर ना, उतर जाओ, जाइए ना, अभी फोटो खींच के कंप्लेन करते। उतरो, वेटिंग टिकट बंद हो गई है। उतरो उतरो उतरो, वेटिंग टिकट बंद हो गई है। सारे उतरो फटाफट फटाफट, सारे उतरो, चलो 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 चलो, उतरो उतरो। देखो भाई सारे के सारे बंद हो गई है। देखो भाई वेटिंग टिकट बंद होने के बाद भी ये हाल है, बताओ भाई। देख लो भाई जनरल का है। हाँ जनरल के सवारी है और घुसे है M1 कोच के अंदर 3rd AC में। भाई ये हाल है इनका, सोचने वाली बात है। सर इनको समझाओ, थोड़ा समझाओ, दिक्कत हो रही है हमें बहुत ज्यादा, मान ही नहीं रहे ये लोग। चलो सारे स्टूडेंट है तो टिकट लेके चलना चाहिए ना, पढ़ने लिखने जा रहे हैं भाई। टीटी भैया जी को फिर चढ़ गया वो, देखो आ गया, आ गया, आ जा, तू भी आ जा, देख अंदर आ चला गया। सो भाई टीटी भैया जी आए थे, उनको बोल करके हमने जितने भी वेटिंग वाले थे ना, जो लोग परेशान कर रहे थे बार बार अंदर जा करके बैठ रहे थे, सारे के सारे हमने छटाई करवा दिए, सब चले गए अंदर ही अंदर से उस वाले कोच में। लोग बैठे हुए हैं आसपास, इसलिए
से मत लो, आराम से नहा धोगा के तैयार हो जाए, पटना आने वाला है। घर सो भाई आ गए बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर। सो भाई जिन लोगों ने पार्ट वन देखा था तो मैं आपको बता दूं पार्ट वन यहीं तक समाप्त होता है। अब इसके आगे आ गया आपका पटना जो कि बिहार की राजधानी है, उसको शुरू करते हैं, उसको शुरू करते हैं पार्ट टू में, जहाँ से जहाँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसी कारण से भाई दो पार्टों में आपको ये ट्रेन जर्नी देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों ने पार्ट वन देखा है वो पार्ट टू जरूर देखना कि पटना के बाद दिल्ली किस तरीके से हम पहुँचने वाले हैं, मतलब रूट में या फिर किस तरीके से पहुँचेंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे, घर बैठे रियल वाला सफ़र कराएंगे ना, हाँ कराएंगे। तो इसलिए भाई पार्ट वन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पार्ट टू जरूर देखना। मिलते हैं ब्रह्मपुत्रा के पार्ट टू में, पटना से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक।